गाजियाबाद में बैंक ने किया बड़ा फ्रॉड। समाज सेवी विक्रांत पंडित ने बताया कि उन्होंने शिवालिक मार्केटाइल बैंक से 2015 में लोन लिया था, जिसकी आज तक कोई भी किस्त बकाया नहीं है, फिर भी बैंक किस्त के नाम पर उनके खाते से पैसे काट रहा है। जब उन्होंने इसकी शिकायत बैंक मैनेजर से की तो बैंक मैनेजर ने उनसे बदतमीजी की और उन पर हमला कराया। जब उन्होंने पुलिस से बैंक की शिकायत की तो बैंक मैनेजर ने उनसे माफी मांगी और 50,000 वापस किए, लेकिन बैंक फिर से उनके अकाउंट से पैसे काट रहा है और उन्हें धमका रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। गाजियाबाद से राहिल कसार की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत पंडित है, मैं समाज सेवी हूँ, गाजियाबाद में ही रहता हूँ, निवास करता हूँ। ये जो ब्रांच है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इस ब्रांच से लोन लिया था 2015 जनवरी से 14 जनवरी 2015 में पहली किस्त थी और आज दिन तक एक भी किस्त इनकी बकाया नहीं है। ये लगातार चोरी करते हैं, मेरे अकाउंट में भी हेराफेरी करी, क्योंकि मेरा बचत खाता भी इनकी ब्रांच में है, यहीं जिस ब्रांच से ये मेरी किस्त निकालते हैं, और अनर्गल पैसे काटते थे ये। उसके बाद जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, बार बार मुझे बरगलाते रहे, मेरा पैसा काटते रहे, तो मैं कानून की सहायता ली, मैंने कानूनी नोटिस भिजवाया। पहले भी मैं आप लोगों के समक्ष आ चुका हूँ, तो ये मीडिया ये मुझसे दो बार जो है लिखित में माफ़ी मांग चुके हैं बैंक वाले, दो बार, और मुझे लिखित में पैसा वापस भी कर चुके हैं लगभग 50,000 रुपये लिखित में, और वैसे तो लगभग 70,000 रुपये वापस कर चुके हैं मेरी स्टेटमेंट में, लोन स्टेटमेंट में। अब क्या है, अब मेरा मैंने इनके ऊपर मुकदमा कर रखा है, तत्काल भी इन्होंने लगभग 40,000 रुपये के करीब करीब की हेराफेरी कर रखी है मेरे साथ, जिस उपलक्ष्य में मैं इनके पास आता हूँ, और ये जो है मुझे अब उकसाने का काम करते हैं, कभी 1 करोड़ रुपये का नोटिस भेजते हैं मुझे डराने के लिए, जिससे मैं हिल जाऊँ, मैं अपने मुकदमे वापस ले लूँ, क्योंकि अब इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे डल गए हैं गाजियाबाद में, नोएडा में, मेरठ में, हापुड़ में। जो भी यहाँ हॉट सीट पर बैठता है वो अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं है, वो सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाता है। कल भी मैं आया था, कल भी इनडायरेक्टली इन्होंने मुझे धमकाया कि भाई तुम अपना देख लो, कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि भाई क्या करना है, कि वो मैं अब मैनेजर नहीं हूँ, अब मैनेजर दूसरे हैं, जो मैनेजर दूसरे थे उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया, मैंने आज उनको फ़ोन किया, मैं यहाँ भी आया, वो लगे मुझे धमकाने। अब ये प्री प्लान चल रहे हैं, ये मेरे साथ कुछ भी घटना करा सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये मेरे साथ मार पिटाई करा चुके हैं, जो उन पर मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, न्यायालय में हूँ मैं। अब ये मुझे स्थिति ये बन रही है कि ये सब कुछ प्री प्लान कर रहे हैं, और उस प्री प्लान में यहाँ के ब्रांच मैनेजर भी शामिल हैं, जिनका नाम सुखप्रीत या सुप्रीत है कोई, वो हैं, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखी, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, और मैंने तो पहली बार देखा था उन्हें, और या उन्होंने मुझे अभी फ़ोन पे भी जो है उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, धमकाया मुझे। और उनसे पहले मैनेजर मेहरा जी हैं, वो भी लगातार इसी चक्कर, मुझे ये लग रहा है कि ये अब सब मिले हुए हैं और ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि या तो ये व्यक्ति पागल हो जाए, या ये व्यक्ति मर जाए, या ये मुझे जो है मरवा भी सकते हैं। ये परिस्थिति इन लोगों ने बना दी है, आपका गाजियाबाद की ब्रांच से लेकर इन्होंने हेड ऑफिस तक। अच्छा, सुनने में आया कि इससे पहले आपके पास कुछ हमला भी हुआ था आपके ऊपर? मेरे पास इसी इस पॉइंट पे जो दूसरा पेड़ है यहाँ पर हाथापाई हुई थी, इनकी लीगल टीम थी, बाउंसर टाइप लोग थे, उन्होंने मेरे साथ मारी पिटाई करी थी, मैंने मुश्किलों से अपनी जान बचाई थी यहाँ पे, वो मुकदमा कोर्ट में है। नेचुरल सी बात है, जब वो ये कह रहे थे कि बैंक के मालिकों का जो स्थान है, जो उनकी उनका स्टेटस है, तेरी हैसियत नहीं है कुछ भी, तुझे तो जो ऐसे खा जाएंगे वो लोग, तो इसका मतलब वो बैंक के ही तो लोग थे जो जिन्होंने नाम लिया कि मित्तल बंधुओं को तुम जानते नहीं हो, उन्होंने भाई मित्तल बंधु मैं तो जानता ही नहीं हूँ वाकई में। इसकी जानकारी आपने प्रशासन में भी दी? मैंने तत्काल उस समय तत्काल पुलिस को भी सूचना दी थी, जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने डीएम साहब को भी सूचना दी थी, मैंने कप्तान साहब को भी सूचना दी थी, जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला और मुझे किसी प्रकार का सहारा नहीं मिला न्याय का, तो मैंने कानून की शरण में गया, मैंने न्यायालय में जो है दस्तक दी, मैं न्यायालय गया मांग के लिए, न्यायालय से इनके जो है समन जारी हैं, ये आते ही नहीं हैं, क्योंकि ये भी कहा कहते हैं ये लोग कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये पता कर नहीं चलने देंगे, गायब करा देंगे किसी को भी। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस देश की आम जनता का। अच्छा, प्रशासन भी आपकी नहीं सुन रहा है और बैंक भी आपकी समस्या का हल नहीं कर रहा, तो अब आप आगे आप क्या चाहते हैं? अब तभी तो आपकी सहायता ली है, तभी तो मैं बार बार जो मीडिया को बुलाता हूँ ताकि मीडिया आवाज़ उठाए और आमजन जागृत हो, आमजन जागृत हो और इस भ्रष्ट बैंक से बचे वो बैंक,
इस भ्रष्ट बैंकों के कारगुजारियां जगह जगह उजागर हैं, नोएडा में उजागर हैं, हापुड़ में उजागर हैं, मेरठ में उजागर हैं, गाजियाबाद में उजागर हैं। गाजियाबाद में इस बैंक के मालिकों के जनपद न्यायालय से 420-406 में गिरफ्तारी वारंट हैं। आप गौर करिए, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो कर्ता धर्ता हैं, जो मालिक हैं, जो डायरेक्टर हैं, इन लोगों के 420-406 में गिरफ्तारी वारंट हैं जनपद न्यायालय गाजियाबाद से। तो इसका मतलब तो आप सीधी सी समझ जाओ कि 420 का मुकदमा बैंक पर दर्ज है।